हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अभी आप देख रहे हो मास्टर जी फिजिक्स वाले यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है अभिषेक गौतम। हम इस चैनल पर फिजिक्स को पढ़ते हैं, सीखते हैं और समझते हैं। अभी फिलहाल जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं क्लास टेंथ के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से क्वेश्चन आंसर। मैं ऑलरेडी दो वीडियो बना चुका हूँ क्लास टेंथ की बोर्ड एग्जाम्स के लिए, जिसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी के डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो उसका ये पार्ट थ्री है। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। अपन का क्वेश्चन है, सो हाउ वुड यू ज्वाइन थ्री रजिस्टर्स। आपको शो करना है कि आप किस तरीके से तीन रजिस्टर को ज्वाइन करें। ईच रजिस्टेंस 9 ओम, यानी कि जो रजिस्टेंस है वो कितने का है, 9 ओम का है। ठीक है, वो तीन रजिस्टर है यानी 9 ओम 9 ओम एंड 9 ओम। सो डेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज 13.5 ओम, यानी कि आपको जो कॉम्बिनेशन लेकर आना है वो कितना लेकर आना है मेरे भाई, 13.5 ओम। अब एक बात बताओ, मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था, आज फिर से रिपीट कर देता हूं। जब भी आपका रेजिस्टेंस या रजिस्टर सीरीज में लगा हो, तो मैंने क्या बोला था कि तीनों का सम कोई भी इंडिविजुअल रजिस्टेंस जो सबसे बड़ा हो उससे भी बड़ा आता है। यानी कि अगर ये 9 9 9 ओम के हैं तो इतना कंफर्म है कि जब इन तीनों को सीरीज में ज्वाइन करेंगे तो 9 से ज्यादा रजिस्टेंस आएगा। ठीक है, दूसरी बात मैंने बोली थी कि जब भी आप रजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो उस रजिस्टर्स के बीच में जो सबसे छोटा रजिस्टर होगा उनका इक्विवेलेंट उससे भी कम आएगा। यानी अगर मैं बात करूंगी 9 9 9 ओम में, तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दो तो इतना तो कंफर्म है कि रजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद 9 ओम से कम ही आएगा। तो दो बातें क्लियर हो गई, लेकिन इनको चाहिए 13.5 ओम। अब आप क्या करोगे, तीनों को सीरीज में लगा के देखोगे तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि देखो सीरीज में तो 13.5 कैसे भी नहीं आ सकता। 9 प्लस 9 प्लस 9 27 ओम चाहिए, कितना 13.5 ओम। यानी इतना तो क्लियर है कि तीनों सीरीज में नहीं है। तो क्या हो सकता है, एक काम हो सकता है कि अगर दो को सीरीज में ज्वाइन कर लूं फिर एक को पैरेलल में कर दूं। करता हूं, पहले मैं दो को सीरीज में कर लेता हूं, R1 प्लस R2 सीरीज में किया तो 9 प्लस 9 यानी कि 18 ओम आ गया। ठीक है, और दूसरा रजिस्टर जो 9 ओम है उसे कर देते हैं पैरेलल में, यानी कि अब जो ये इक्विवेलेंट 18 ओम और जो ये है 9 ओम, इन दोनों को किसमें कनेक्ट कर दो, पैरेलल में। करते हैं तो 1/R इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/9 प्लस 1/ कितना आया दूसरा, 18। ठीक है, तो 1/R इज इक्वल टू LCM 18 रहा, 2 प्लस 1 1/R कितना आ गया, 1/R आपका आ गया 18/3 यानी ये तो आ गया आपका 6। तो करने चले थे पहला लेकिन दूसरा सॉल्व हो गया। दूसरा आपका यही है सेकंड क्वेश्चन की 6 ओम चाहिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है 6 ओम चाहिए आपका। तो ठीक है भाई, 6 ओम मिल गया, तो आपने 6 ओम कब मिल गया, ये सेकंड वाला सॉल्व हो गया। कोई नहीं, सेकंड वाला फर्स्ट वाला बाद में कर लेंगे। 6 ओम आ गया ना, 6 ओम कब आया हमारा, जब दो सीरीज में और एक पैरेलल, मैंने दो सीरीज 18 ओम और फिर एक पैरेलल में 18 ओम और 9 ओम, तो आपको मिल गया 6 ओम, यानी ये वाला आपका हो गया, 13.5 चाहिए। अब देखो दो सीरीज में कनेक्ट किए फिर पैरेलल में किया, नहीं आया। एक काम करते हैं, दो पैरेलल में कनेक्ट करते हैं फिर देखते हैं तीसरे को सीरीज में कनेक्ट करके क्या होगा। तो पहले दो पैरेलल में कनेक्ट कर लेते हैं, तो 1/R इज इक्वल टू 1/9 प्लस 1/9 LCM कितना रहेगा, 1/R इक्वल टू 9 ही रहेगा, ऊपर हो जाएगा 2, तो R इक्वल टू आ गया आपका 9/2। तो ये रेजिस्टेंस आपका कब आ गया, जब दो पैरेलल में थे। बचा कौन, अब तीसरा, यानी कि दो तो आपने पैरेलल में कनेक्ट कर दिए 9 ओम और 9 ओम, तीसरा भी जो 9 ओम बचा वो आप क्या करने वाले हो, इनके साथ सीरीज में कनेक्ट करने वाले हो। कर दो, तो 9/2 प्लस 9, तो 9/2 प्लस 9 को करते हैं, 9/2 प्लस 9 कितना आएगा, 9/2 प्लस 9 LCM लो, कितना आ गया 13.5। यानी कि एक काम तो अपन का हो गया, यानी कि कब हो गया ये अपन का, जब हमने दो को पैरेलल कनेक्ट किया एक सीरीज में किया, तो हमें मिल गया 13.5। क्लियर है मेरे भाई, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि इन्होंने बोला था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में 6 चाहिए और 13.5 चाहिए। तो मैंने क्या देखा कि जब मैंने दो रजिस्टर्स को पहले सीरीज में किया फिर पैरेलल में किया तो 6 ओम मिला, जब मैंने दो पैरेलल में किया और बचे हुए को सीरीज में किया तो मुझे
13.5 ओम मिल गया। इसका आंसर आप नोट डाउन कर सकते हो यहां से। तो आप साफ साफ देख पा रहे हो कि फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या है, दो आपके कैसे हैं पैरेलल में, देखो नैनो नैनो पैरेलल में बचा हुआ सीरीज में कनेक्ट कर दिया, तो ये डायग्राम हो गया। नैनो नैनो पैरेलल में निकालो जो भी इनका इक्विवेलेंट आए, जो भी इनका इक्विवेलेंट आए उसको सीरीज में कनेक्ट कर देना है। दूसरे क्वेश्चन के लिए क्या किया, दो को तो पैरेलल में कनेक्ट किया, वो दो को सीरीज में कनेक्ट किया, ये कैसा कॉम्बिनेशन है सीरीज, दो को सीरीज में कनेक्ट किया, जो भी इनका इक्विवेलेंट आया उसको इसके साथ पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। यहां तक क्लियर है बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अपन के 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या है अपन का, देखो विद द हेल्प ऑफ सूटेबल सर्किट डायग्राम प्रूव दैट द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंसेस जॉइंट पैरेलल इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। यानी कि देखो पिछली वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो सीरीज में R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है उसको ड्राइव किया था। यहां हमसे ड्राइव करवा रहा है कि जो पैरेलल कनेक्शन होता है वो इक्वल होता है सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंसेस, यानी कि जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो किसके इक्वल होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, उसको ड्राइव करना है। क्लियर है मेरे भाई, पहले डायग्राम बना लेता हूं फिर अच्छे से आपको समझ आएगा। देखो ये रेजिस्टेंस हो गया R1, ये रेजिस्टेंस हो गया आपका R2, ये रेजिस्टेंस हो गया आपका R3, ठीक है, ये आपका हो गया R3। अब यहां पे मैं एक लगा देता हूं बैटरी, इसका पोटेंशियल डिफरेंस है V, इन सब का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैंने मान लिया R, ठीक है, कुछ तो होगा R1 R2 R3 का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस है, नेट रेजिस्टेंस है, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है, जो भी बोलूं कितना है R। बैटरी कितने की V वोल्ट की, यहां से कितना करंट निकलेगा I करंट, क्या निकलेगा I करंट। अब एक बात बताओ, अब I करंट तीनों का सेम जाएगा या अलग अलग जाएगा, मेरे भाई अलग अलग जाएगा, क्योंकि देखो यहां से रास्ते बदल गए ना, यहां करंट मैंने मान लिया I1 गया, यहां करंट I2 गया, यहां करंट I3 गया। लेकिन हाँ एक बात याद रखना, ऐसा नहीं है कि अगर ये 20 एम्पीयर का करंट है तो I1 प्लस I2 प्लस I3 20 से ज्यादा हो, क्योंकि सीधी सी बात है भैया 20 एम्पीयर करंट ही तो डिवाइड हो रहा है, तो हो सकता है ऊपर 10 एम्पीयर गया हो, यहां 5 गया हो, यहां 5 गया हो, हो सकता है या 3 एम्पीयर गया हो, या 7 एम्पीयर गया हो, या 10 एम्पीयर गया हो, वो इनकी हेडक है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन जो टोटल करंट बैटरी ने दिया है, इन तीनों के पास जो करंट गया है उनका सम टोटल करंट के इक्वल होगा। यहां तक बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत, आगे बढ़े, वी पोटेंशियल डिफरेंस है। अगली बात, आप लोगों को याद होगा सीरीज में हमने क्या देखा था, सीरीज के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता था, सेम होता था, लेकिन करंट क्या होता था, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता था, अलग अलग होता था सीरीज में, सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता था, करंट अपन का सेम हुआ करता था। लेकिन यहां पे क्या है, करंट डिफरेंट है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है वी, यानी जितना बैटरी ने पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, यानी बैटरी कितने की थी वी वोल्ट की, तो सारे रजिस्टर्स के पास वी वोल्ट ही होगा, कैसा होगा वी वोल्ट, यानी ये भी वी वोल्ट, ये भी वी वोल्ट, ये भी वी वोल्ट। क्लियर है मेरे भाई, करंट क्या है डिफरेंट है, रजिस्टेंस R1 R2 R3, ड्राइव करना शुरू करें, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है कि भैया V इक्वल टू होता है IR, क्या होता है IR। अगर पहले वाले की बात करूं तो करंट कितना है I1 और रेजिस्टेंस कितना है R1, V तो सेम ही है क्योंकि जितना बैटरी का V है उतना ही उस रजिस्टर के पास पोटेंशियल डिफरेंस, यानी V इक्वल टू I1 R1 नंबर 1, ठीक है भाई। यहां से क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, I1 इज इक्वल टू R1 को इधर ले जाऊं, क्या करूं, देखो R1 को इधर ले आता हूं, तो V बाई R1 यहां क्या बचा I1, कोई दिक्कत, इक्वेशन 1 मान लेता हूं इसको, ठीक है, ओके V बाई R1। नेक्स्ट सेकंड वाले रजिस्टर के लिए लगाओ ओम्स लॉ, ठीक है भाई, V इक्वल टू क्या होता है I2 R2, ठीक है, अगर मैं I2 की वैल्यू निकालूं तो कितनी आएगी V बाई R2 इज इक्वल टू कितना आ गया I2, इक्वेशन 2 मान लो। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, थर्ड रजिस्टर की बात कर लो, V इक्वल टू क्या होगा I3 R3, तो I3 इक्वल टू कितना हो जाएगा V बाई R3, तो V बाई R3 इज इक्वल टू I3, इसे मान लो इक्वेशन 3, कोई दिक्कत मेरे भाई, ठीक है, यानी हमने I1 निकाला V/R1 फॉर्मूले से, I2 निकाला V/R2, I3 निकाला V/R3, ओके आगे बढ़ते हैं, इसे थोड़ा सा रफ कर देता हूं उतना पार्ट। अब एक बात बताओ कि आपका जो यहां पर करंट है I1 I2 I3, क्या मैं ये बात कह सकता हूं कि तीनों का सम जो टोटल करंट इसके इक्वल होगा, क्योंकि अभी भी मैंने समझाया कि बैटरी ने जितना करंट दिया है वही डिवाइड होता है, वही डिस्ट्रीब्यूट होता है, ऐसा नहीं है कि करंट ज्यादा हो जाए,
ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो i होगा वो किसके इक्वल होगा, i1 प्लस i2 प्लस i3, क्लियर है। अब यहां वैल्यू पुट कर देते हैं अपनी अपनी, देखो i क्या है टोटल करंट, तो टोटल करंट में किसकी बात होगी, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि v की, और r क्या होगा टोटल रेजिस्टेंस जो इनका इक्विवेलेंट है। तो इस वाले i के लिए क्या होगा, टोटल करंट के लिए टोटल पोटेंशियल डिफरेंस और टोटल रेजिस्टेंस या इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। तो i की वैल्यू मैं लिख देता हूं v अपॉन r, ओम्स लॉ से यार कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो यहां पर लिख देता हूं v कष्ट क्या होता है ir, तो अगर i की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी निकल के आएगी, v / r निकल के आएगी, नहीं आएगी। I की वैल्यू तो सिंपल भाई, मैंने I की जगह लगाया V upon R, और I1, I2, I3 की वैल्यू यहां लिखी हुई है। देखो I1 V upon R1, तो V by R1, I2 की वैल्यू V upon R2, I3 की वैल्यू V upon R3, क्लियर है मेरे भाई। देखो इसे नोट डाउन करने के लिए अभी मैं आपको इसका सॉल्यूशन दे दूंगा जो कि बिल्कुल क्लियर होगा, यहां आप बस समझ लो इसको, ठीक है। अभी मैं इसका आपको सॉल्यूशन दूंगा, वहां आप अच्छे से नोट डाउन कर सकते हो अगर आपको नोटबुक में लिखना हो तो, ठीक है। फिलहाल आप समझने में फोकस करो, I1 की वैल्यू पुट हो गई, I2 की वैल्यू पुट हो गई और I3 की वैल्यू पुट हो गई। तो यहां से क्या मैं V को कॉमन ले सकता हूं, तो V upon R equals to V, जब कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, 1 upon R1 plus V बाहर चला गया 1 upon R2 plus 1 upon R3, तो V से V कैंसिल, बचा क्या 1 upon R equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3। क्या मेरे भाई हमको यही ड्राइव नहीं करना था कि भाई 1 upon R equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3, तो ये अपन का ड्राइव हो गया, क्लियर है मेरे भाई। किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना फटाफट से, ठीक है। अब इसका इसे नोट डाउन करना है तो वो यहां से कर सकता है। देखो द सम ऑफ द करंट थ्रू द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स ऑफ एनर्जी और सेल, I equals to I1 plus I2 plus I3, वैल्यू पुट कर दी इन्होंने, V कॉमन लिया तो देखो V by R, यहाँ पे इन्होंने क्या किया सबका V कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा मेरे भाई, यहाँ पे V बाहर गया, यहाँ से V बाहर गया, यहाँ से V बाहर गया, यहाँ से V बाहर गया, यहाँ बचा 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3, V से V उड़ा दिया, तो 1 upon R equals to हो गया 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3, equivalent resistance is given by reciprocal of the individual resistances। तो आप चाहो तो इसे नोट डाउन कर लो, क्लियर है मेरे भाई। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यू हैव फोर रजिस्टर्स 8 ओम ईच, चार रजिस्टर है 8 ओम के, ठीक है, 8 ओम, 8 ओम, 8 ओम और 8 ओम, क्या करना है इनका, हाउ वुड यू कनेक्ट दिस रजिस्टर सो दैट इफेक्टिव रजिस्टेंस ऑफ 8 ओम, कि 8 ओम ही आ जाए, समझ रहे हो ना, आप पर 8 ओम 8 ओम 8 ओम और 8 ओम, चार 8 ओम के रजिस्टर है, तुम चारों टोटल रेजिस्टेंस 8 ओम ही आए। पहला तरीका, तीन को हटा दो, एक कितने का बचा, 8 ओम का बचा। अगर इन तीनों को आप हटा दोगे, आपको 8 ओम ही चाहिए तो एक को यूज कर लो ना, करना ही क्यों है तीनों को यूज, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये कहेंगे हमारी मर्जी, हम तो चारों को कनेक्ट करके चाहते हैं 8 ओम आए। देखो भैया 8 ओम चाहिए तो सिंपल तरीका क्या, तीन को हटा दो, अकेला 8 ओम यूज कर लो, क्योंकि तुम्हें चाहिए तो 8 ओम ही, तुम चारों को जोड़ोगे वो भी किसका काम करेगा, 8 ओम का, ये भी अकेला कितना काम कर रहा है 8 ओम का, तीन हटा दो अकेला लगा लो। लेकिन ये चाहते हैं कि हम चारों को यूज करके कैसे 8 ओम लाएं, ठीक है। तो मैं पहले बताता हूं ये ज्यादा से ज्यादा कितना रजिस्टर ला सकते हैं, देखो 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 यानी 32 ओम का ये रजिस्टर चाहे तो ला सकते हैं सीरीज में कनेक्ट करके, क्योंकि देखो सीरीज में क्या होता है, R equals to R1 plus R2 plus R3 plus R4, अगर ये चाहें तो ला सकते हैं 32 ओम का रेजिस्टेंस, बट नहीं लाना, कितना चाहिए 8 ओम ही चाहिए। क्या करो, एक काम करो, दो को सीरीज में कनेक्ट करो, इन दो को सीरीज में कनेक्ट करो, पैरेलल में करके देख लो। देखो हिट एंड ट्रायल है, इतना कुछ नहीं, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ 8 ओम, देखो ना तो इन्हें ज्यादा चाहिए ना इन्हें कम चाहिए, समझ रहे हो ना, बराबर चाहिए। तो 8 ओम 8 ओम सीरीज में जुड़ेंगे तो कितने आएंगे, 16 ओम, ये वाला 8 ओम यहां जुड़ेगा तो कितना आएगा 16 ओम। अब आगे 16 ओम, इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दो, तो पैरेलल में कनेक्ट करके देखते हैं, तो 1 by 16 प्लस 1 by 16, ये किसकी वैल्यू है, 1 by R की वैल्यू है, ठीक है। तो LCM कितना आएगा, 16 ऊपर आ गया 2, किसकी वैल्यू है, 1 by R की वैल्यू है। अगर 1 by R = 2 by 16 है तो R = कितना हो जाएगा, 16 by 2, 2 से 16 कितने टाइम्स गया, 8 टाइम,
आ गया ना रेजिस्टेंस 8 ओम। तो कैसे कनेक्ट करना है, दो को सीरीज में करो और इन दो को सीरीज में करो, जो इनका इक्विवेलेंट है, जो इनका इक्विवेलेंट है, दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दो। सिंपल, क्लियर है? नोट डाउन करना हो तो यहां से नोट डाउन कर सकते हो, डायग्राम देखो साफ साफ है। ये दोनों सीरीज में जोड़ दिए, कितना आ गया 16 ओम। ये दोनों सीरीज में जोड़ दिए, कितना आ गया 16 ओम। उठा के इनको क्या करो, पैरेलल में जोड़ दो। ये लो, ये 16 ओम आ गया, ये 16 ओम आ गया, नीचे बैटरी लगी है, लो लगा दो। कितने की है, वी की है, यहाँ स्विच है। इनको पैरेलल में सॉल्व करोगे तो इनको पैरेलल में सॉल्व करते ही आपको कितना मिल जाएगा, 8 ओम मिल जाएगा। कुछ डायग्राम ऐसा दिख जाएगा, यानी 8 ओम। तो समझ रहे हो ना, पहले ये डायग्राम गया इधर और फिर ये डायग्राम गया इधर, सिंपली ये बन गया, ठीक है, 8 ओम आ गया इक्विवेलेंट। यानी कि पहले दो सीरीज इनको पैरेलल में। क्लियर है? नोट डाउन करना हो नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेट वन डिफरेंस बिटवीन किलोवाट एंड किलोवाट आर। ठीक है भाई, किलोवाट और किलोवाट आर में डिफरेंस पूछ रहा है। तो सिंपल है, किलोवाट क्या होती है, पावर की यूनिट होती है। पावर की यूनिट क्या होती है, किलोवाट। और किलोवाट आर किसकी थी, एनर्जी की यूनिट थी। किसकी थी मेरे भाई, एनर्जी की, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था ना एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी इज इक्वल टू कितना था, पावर इनटू टाइम, पावर इनटू टाइम। तो पावर की थी कितनी, किलोवाट, टाइम की कितनी थी, आर। तो मिलके कितना होना, किलोवाट आर। तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं, सिंपल है, पावर की यूनिट है किलोवाट, एनर्जी की यूनिट है किलोवाट आर। तो डिफरेंस पूछा है तो सिंपल डिफरेंस बोल दो, पावर की यूनिट है किलोवाट, एनर्जी की यूनिट है किलोवाट आर। एक्सप्रेस वन किलोवाट आर इन जूल। आपको वन किलोवाट आर को किसमें कनेक्ट करना है, वन किलोवाट आर को कनेक्ट करना है जूल में। तो वन किलोवाट आर को जूल में कनेक्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, देखो मेरे भाई, वन किलोवाट आर इसको जूल में कनेक्ट करना है। देखो जूल क्या है, एनर्जी की एसआई यूनिट, ये भी क्या है, एनर्जी की एसआई यूनिट, सॉरी ये एनर्जी की एसआई यूनिट नहीं है, जूल एनर्जी की एसआई यूनिट है। अब इसको क्या करना है, किलोवाट आर से कन्वर्ट करना है जूल में। तो क्या करें, हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था ये किसकी एनर्जी है, एनर्जी की यूनिट है। तो एनर्जी कस्टू क्या था, पावर इनटू टाइम। देखो मैंने क्या बताया हुआ है, मैं फिर से बता देता हूं, अगर आपको कोई एसआई यूनिट में चाहिए, यानी एनर्जी किसमें चाहिए, एसआई यूनिट में चाहिए, तो उसके फॉर्मूले में जो जो क्वांटिटी यूज हो सबको अपनी अपनी एसआई यूनिट में रख दो। अगर एनर्जी एसआई यूनिट में चाहिए जो कि जूल है, तो पावर को क्या करो एसआई यूनिट में रख दो, टाइम को क्या करो एसआई यूनिट में रख दो, अपने आप ये एनर्जी एसआई यूनिट में आ जाएगी, क्योंकि केडब्ल्यूएच एसआई यूनिट नहीं है, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी है। तो क्या करें, पावर को एसआई में रख दो, टाइम को एसआई में रख दो, ठीक है। पावर है किलोवाट, क्या एसआई यूनिट में है, नहीं है। पावर की यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट वाट। तो वन किलोवाट में कितने होते हैं, 1000 वाट। लो कन्वर्ट हो गया 1000 वाट, ठीक है भाई, मल्टीप्लाई। टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है, सेकंड। लेकिन ये किसमें बात कर रहे हैं भाई, आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वन आवर में 60 मिनट और वन मिनट में 60 सेकंड, यानी 60 × 60। तो यानी पावर भी कन्वर्ट हो गई एसआई में, टाइम भी कन्वर्ट हो गया एसआई में। तो जब एसआई यूनिट के साथ मिलती है तो वो एसआई यूनिट ही प्रोडक्ट करती है, यानी कि एनर्जी भी किसमें आएगी, एसआई यूनिट में। मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 1000 मल्टीप्लाई भाई 3600 3, 2, 5, 1, 2, 3, 4, 5 जूल एनर्जी, यानी 1 kWh में इतनी जूल एनर्जी होगी। क्लियर है मेरे भाई, समझ आ गया। जब भी आपको एसआई यूनिट निकालनी हो तो उसके अंदर जो जो क्वांटिटी यूज हुई है उनको भी अपनी अपनी एसआई यूनिट में रखो। चूंकि पावर किलोवाट में थी मैंने वाट में चेंज कर दी, चूंकि टाइम आवर्स में था मैंने टाइम को सेकंड में चेंज कर दिया, और अपने आप मेरे को जो एसआई यूनिट मिली वाट और सेकंड की, वो एनर्जी जूल में मिली। क्लियर है? तो ये वाला भी हो गया। नेक्स्ट है सिंपल न्यूमेरिकल। अब बल्ब इज रेटेड 5 वोल्ट, वी दिया है, आई दिया हुआ है। कैलकुलेट द पावर एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब व्हेन इट ग्लो। पावर निकालनी है और रेजिस्टेंस निकालना है। क्लियर है? तो इसको नोट डाउन करना हो तो आप नोट डाउन कर सकते हो। ये रहा, देखो भाई, किलोवाट इज द यूनिट ऑफ पावर, किलोवाट आर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है। 1 किलोवाट आर में कितनी एनर्जी जूल, 3.6 × 10⁶। मैंने कैसे लिख दिया था, मैंने बस ऐसे लिख दिया था, देखो 3 6 थे, 1 2 3 4 5 जीरो लगा दिए थे, एक ही बात है, उसको इन्होंने इसमें कन्वर्ट कर दिया है।
जो न्यूमेरिकल था वो देख लो, V कितना गिवन है 5 वोल्ट, करंट कितना गिवन है मिली एम्पियर। बार बार हमने क्या बोला है मेरे भाई, हमने बोला है कभी भी जो भी यूनिट यूज करनी है ऐसा यूनिट में यूज करो, मिली एम्पियर तो यूनिट होती नहीं है, तो इसको क्या करना पड़ेगा कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, एम्पियर में, तो 1 मिली एम्पियर में क्या करने के लिए क्या करना पड़ेगा 500 डिवाइडेड बाई 1000 एम्पियर, क्योंकि ये मिली एम्पियर में गिवन था और मिली एम्पियर में हम यूज कर नहीं सकते फॉर्मूले के अंदर, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ा पहले मिली एम्पियर को कन्वर्ट करना पड़ेगा एम्पियर में, एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए किसका डिवाइड करना पड़ेगा 1000 का, दो जीरो से दो जीरो कट गए, 10 का 1 क्या 0.5 एम्पियर, तो करंट यूज होगा 0.5 एम्पियर, वोल्टेज 5 वोल्ट, पावर पूछी है सिंपल फॉर्मूला P = V × I, V कितना है 5, I कितना है 0.5 मल्टीप्लाई किया तो 2.5 वोल्ट, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब इज, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है R = V / I, आपको क्या क्या पता है, V पता है, I पता है, 5 V था, I पता है कितना 0.5, सॉल्व कर लो, पॉइंट हटाया ऊपर 10 आ जाएगा, 5 से 10 टू टाइम्स यानी कि 10 ओम, क्लियर है मेरे भाई, नोट डाउन करना हो तो नोट डाउन कर लो, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी पर 2 वीडियो ला चुका हूँ, अगर आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी है तो जाके वो दोनों वीडियो भी देखो, तो मैंने इलेक्ट्रिसिटी पर भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दिए हैं बोर्ड्स के लिए और लाइट चैप्टर पर भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दिए हैं बोर्ड के लिए, ठीक है। अगर आपका कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बिल्कुल बताएं, मैं उस पर एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, थैंक यू सो मच।